श्रीमती रवीना, मेरे चैनल में सभी को स्वागत है। और हम आज जा रहे हैं मूवी के लिए। आप सब देखकर आप सबको पता चल चुका होगा, आदि पुरुष मूवी के लिए हम सब जा रहे हैं। सो उसी का ब्लॉग मैं आज दिखाऊंगी आप सबको। और मेरे साथ है हमारी प्यारी सिस्टर और हमारा भाई, और हम तीन लोग जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है मूवीज देखने के लिए। तो चलते हैं। और सॉरी, आज मेरे को ऑन द वे मतलब व्लॉग ऑन करना पड़ रही है, बिकॉज बहुत बिजी थी आज, काम बहुत थे तो बहुत जल्दी जल्दी करके निकली हूँ। सो ऑन द वे ही मैं मतलब अपना व्लॉग ऑन करके मतलब शुरू कर रही हूँ। सो चलते हैं, आज देखकर आते हैं आदि पुरुष मूवी। और बहुत एक्साइटेड हैं हम सब देखने के लिए। भगवान श्री राम और सीता माता, माता जानकी भी बोल सकते हैं, उनसे रिलेटेड है तो हम इनकार नहीं कर सकते। और हनुमान रिलेटेड भी है, सो बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। और वही है, अभी जा रहे हैं रास्ते पे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस मूवी से रिलेटेड बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब हो रही है अभी तक, कल से लेकर अभी तक। ये मूवी के लिए हमने टिकट 3 दिन पहले ही बुक कर दिए थे, है ना। और जैसे ही शाम हुआ था कल शाम को, मतलब एक न्यूज़ आया, हमारा मेयर बालिन शाह ने पोस्ट किए थे, एक कंट्रोवर्सी मतलब हो गए, जो मतलब डायलॉग था ट्रेलर में भारत की बेटी करके, उसमें जो जानकी जो सीता माता है वो नेपाल से थी, तो वो भारत की नहीं है ना। सो कंट्रोवर्सी दिखाए हैं, मतलब वो मेरे हिसाब से मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेलर में बोला गया है भारत की बेटी, दरअसल वो जानकी माता जो है वो नेपाल से है ना। सो नेपाल की बेटी जानकी, ऐसे करके मतलब कुछ होता तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होता, मतलब नेपाली फ्रेंड्स और खुश हो जाते। सो ये थोड़ा सा मतलब गलत लगा। सो वही मतलब उसकी वजह से जो हमारा जो मॉर्निंग का शो था, जो आज होने वाला मतलब शो था, वो कैंसिल भी हो चुके थे, मतलब कैंसिल कर देंगे ऐसे करके भी हो गए थे। सो हम भी थोड़ा सा मतलब परेशान जैसे भी हो गए थे, और मतलब ठीक भी लगा था, उन्होंने जो मतलब डिसीजन दिए थे वो ठीक भी लगा था। और अभी जो हमारा आज का सुबह का जो मॉर्निंग शेड्यूल का मतलब जो मूवीज़ का वो था, टाइमिंग था, वो सब कैंसिल हो गया, और उसके बाद का सब मतलब शो चल रहे हैं। और करेक्शन भी कर दिए हैं मतलब इंडियंस इंडिया से, मतलब करेक्शन होके भी आ चुके हैं। सो बहुत खुश है इसके लिए, और वही है एक्साइटेड है, और देखने जाते हैं। और इसके बाद आपको बताते हैं कि मतलब मूवी कैसे गए हैं। तो अभी हम रास्ते से ही चल ही रहे हैं, और हमने फर्स्ट टाइम मतलब प्रीमियम टिकट भी कट किए हैं, और हमको पता नहीं है प्रीमियम कैसा होता है, क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं है। और हम जाकर देखेंगे प्रीमियम टिकट भी मतलब कैसा रहेगा, मतलब क्या क्या मतलब अलग दिखने को मिलेंगे, वो भी आप सबको मैं शेयर करूंगी। और नेपाल का वही है कैसा मतलब इधर का सिस्टम है, सब कुछ मैं आपको दिखाते दिखाते ही मतलब जाऊंगी आगे भी। सो देखते रहिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अभी हम बहुत लेट हो गए हैं, 3:45 में हमको पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी रास्ते पे ही मतलब 3:45 हो गए हैं। अभी भी मतलब 5 मिनट जितना लग सकते हैं वहाँ पहुँचने तक, ट्रैफिक जाम हो गए हैं। ओ भाई, ट्रैफिक जाम देखिए, ये ऊपर वाले 10 मिनट लग गए ट्रैफिक जाम में।
हमारी सिस्टर टेबल होके आगे तक ऊपर चुकी रह गई थी और हम पीछे ही रह गए। बहुत गलबाजी हो रही है गाइस आज। आगे का जो हिस्सा था वो तो खत्म भी हो चुके होंगे और तब तो लग रही है। वाओ, लोकल एनटीएफसी, क्या बात है, दोनों एक साथ देखिए, मजे हैं इधर तक। इतना लेट हो गई है ना, पूछिए मत। आगे का जो तो मतलब हिस्सा था वो तो आगे मतलब खत्म भी हो चुके हैं। 10 मिनट्स तो ऐसे ही मतलब लेट हो चुके हैं, इतना जल्दबाजी हो रहा है ना। देखिए ये लोग कैसे भाग रहे हैं। अभी हमारा ग्लास भी आ चुके हैं, रिंग रिंग। देखिए कितने मतलब ज़बरदस्त म्यूजिक हो रहे हैं, वाओ, सो एक्साइटेड। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। सो अभी हैं ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आ गए थे ना तो कुछ ले नहीं पाए थे, तो अभी हम पॉपकॉर्न वगैरह लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिर वापस देखने जाएंगे। और बहुत इंजॉय हो रही है, बहुत भीड़ है इधर भी, हे भगवान, पता नहीं कब अपना टाइम आएगा। 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली कोल्ड ड्रिंक्स तो ले लिए। अभी पॉपकॉर्न का टाइम है, जल्दी जल्दी से भाई बर्गर बढ़ गया, अब एक टिकट रखेंगे। तो अभी पॉपकॉर्न वगैरह ले लिए, फिर करते हैं एंजॉय करने के लिए। तो फाइनली गाइस खत्म हो गई, जबरदस्त काम की और जल्दी। अभी ये हैंड ओवर करना होगा क्लास को। सो अभी हम निकल चुके हैं बाहर, तो अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सो अभी टोटली बाहर आ चुके हैं, तो अभी कैब का वेटिंग कर रहे हैं हम, जिसे ही कैब आएगा तो हम खाना खाने के लिए जाएंगे। और खाने में नेपाली थकाली खाना खाएंगे, और वही उसके लिए हम कैब का वेटिंग कर रहे हैं, और जिससे कैब आएंगे हम निकल जाएंगे। तो अभी हमारा जो कैब है वो आगे अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो अभी यहाँ से उधर साइड पे जाना होगा उस पार। तो अभी सो अब यहाँ से 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, फिर उधर खाना खा लेंगे। बहुत अंधेरा हो रही है, अरे तो मंदिर, ओहो कितने मज़े से बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे रंग के लिए पूरा मंदिर, देखो कितने मज़े से बैठ रहे हैं मंदिर। काठमांडू स्टेट से अभी ललितपुर स्टेट हम एंट्री कर रहे हैं इधर से। जैसे बाद ललितपुर जो मतलब स्टेट है वो कनेक्शन होती है, हनुमान का मंदिर है। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। सो ये रहा हमारा जिम्मू थकाली खाना का जो रेस्ट है। गुड इवनिंग,
सो हम अभी पहुंच चुके हैं जिंदू थकाली। वेलकम टू जिंदू थकाली। सो अभी हमारे पास आ गए हैं मेनू, देखो देखो ये है। हाँ, यहाँ का स्पेशल चिली ज्वाई थाली, जिम्बो स्पेशल होल लोकल चिकन, ये मतलब बहुत सारे हैं। हम कम लोग हैं और हमारे पास वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों है, तो हम मिला के ही मतलब ऑर्डर कर रहे हैं। सो और इस मेनू में मतलब स्पेशल मेनू है ये जिम्बो थकाली का चिली ज्वाई थाली। मतलब चिली ज्वाई का मतलब होता है चिली जो होता है वो बेटी होती है, ठीक है, और जो ज्वाई होता है वो दामाद होते हैं हिंदी में। सो बेटी और दामाद का स्पेशल मिला के ये स्पेशल थाली है। ये नेपाली डिश मतलब स्पेशल होता है नेपाल का। सो इस तरह से है, तो बहुत कुछ है। अभी हम इन सब को इग्नोर कर रहे हैं। सो अभी हमारा खाना का ऑर्डर हो चुका है, देखते हैं कितना फास्ट सर्विंग होती है यहाँ पे। देखिए दो मिनट, बस दो मिनट के अंदर हमारा जो खाना है वो आ चुके हैं। और हमारा जो सिस्टर है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी है, बहुत भूख लगी है शायद इनको, और ये स्टार्ट करने लग चुकी है। और ये भी अभी देखो हाथ मज़े से धो के आया हुआ है। जो हाथों से खाने के मज़े हैं ना वो मतलब ये नेपाली का अलग ही हाँ बोल रही है। देखिए तो अब हम खाना खाएँगे थोड़े मात्रा। अभी हमारे जो खाने की थाली में है ये तो मतलब सलाद हो गए, और ये है मतलब टोमेटोज का चटनी, ये है क्या बोलते हैं गुंडरुक का अचार है स्पेशल, ये मूली का अचार, ये मतलब क्या है ये मतलब ये वो बोलते हैं तीखे करेली बोलते हैं इधर, और ये है पापड़ फ्राई, और ये है मतलब पोटैटोस फ्राई आलू फ्राई है ना, और ये है हरा साग, ये है थोड़ा दही, और ये ब्लैक कलर का दाल है, और ये चिकन, और ये राइस के साथ भी है। तो अब हम इसको मजे से खा लेते हैं। दाल को डालेंगे और इसका हम बाइट ले रहे हैं। गाइस अभी खाना भी हो चुके हैं, खाना का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और हम पेट भर के खा लिए, मज़े से खाना खा लिए। और मैंने जो मतलब खाना खाया हूँ रात को, अभी मैं मतलब श्रीमंत से मैं खाना नहीं खा रही हूँ, श्रीमंत के बाद अभी हम आज ही खाना खाए हैं वो भी रात को, और वो ये खाना बहुत अच्छा था। और डेजर्ट भी खाएंगे प्लान किया था, बट इतना खाना खाने के बाद अब खाया नहीं जा रहा, तो अभी हम डेजर्ट को छोड़ रहे हैं और अब यहाँ से हम डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे। देखिए कैसे लड़ाई कर रही है पेमेंट के लिए, अभी लो लो बोल रही है ला ला। सो अभी हम बाहर आ चुके हैं और कैब का वेटिंग कर रहे हैं, अब हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट अपना घर जाएंगे। रात भी बहुत हो चुकी है, घर से 3 बजे तक निकले थे और वही 8 बज चुके हैं, तो अभी कैब का वेटिंग कर रहे हैं, जैसे ही कैब आएंगे तो हम डायरेक्ट अब घर के लिए निकलेंगे। और मेरा फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, बस 9% चार्ज रह गई है, टेंशन हो रही है बहुत। हमारा ये जिंदू थकाली और लोकेशन ये रहा, और यहाँ मतलब बाइक कार पार्किंग का भी बहुत मतलब अच्छा मतलब वो फैसिलिटी सब कुछ है, और ये देख सकते हो लोगों। और ये हमारा जो ललितपुर एरिया है वहाँ का मतलब शमसी के एरिया में है। अब भी आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। भैया
सो फाइनली गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और वही है, आते आते फ़ोन मतलब ऑफ ही हो गए थे, सो थोड़ा सा चार्ज करके फिर से ऑन किया हूँ। और जो मूवीज़ है हमारे आदिपुरुष, उसकी बात करें तो मेरे को मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा और मतलब इतना मतलब बुरा तो बोल ही नहीं सकते हैं ना। प्रभु श्री राम के मतलब मूवी है, रामायण है, तो मतलब अच्छा है, मतलब कहानी तो मतलब हम बहुत मतलब आभार है और मानते भी हैं और अच्छा था। बट एवरेज में मेरे को मतलब जो मूवीज़ बने हैं वो मेरे को एवरेज में ही ठीक लगा, और कुछ कुछ मतलब कमियां भी लग रही है जो मूवीज़ में होना चाहिए था। उसकी बात करें तो सबसे मतलब इस मूवी का ट्रेलर आने के बाद और जो मैं कुछ कुछ वीडियोस वगैरह देखती रहती थी तो मैंने एक्सपेक्ट किया था हनुमान चालीसा का मतलब कुछ कुछ वो होगा, हनुमान चालीसा का सॉन्ग कुछ होता है ना, मतलब अलग ही वाइब्स आ जाती, मतलब वो एक्सपेक्ट किया था, वो मेरे को देखने को नहीं मिला। और बाकी तो सब ठीक है। और दूसरी बात, थीम जो है थोड़ा सा डार्क लगा, थोड़ा सा और कलरफुल, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का होता तो। और जो मूवी का मतलब एनिमेशन जो बनाया गया है वो भी मतलब मेरे को नहीं लगता इस मूवी में शायद होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए मेरे को लगा नहीं। बट वही है, एनिमेशन मतलब देखने में मतलब इस बीच में मतलब इंटरेस्टिंग वाइब्स भी आ रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वगैरह भी आ रहे थे, बट इतना मतलब ज़रूरी नहीं था, नॉर्मली मतलब होता ना तो भी चलते, अच्छा रहता। जितना मतलब मेरे को पिछले टाइम मतलब मैंने RR मूवीज़ देखे हैं, KGF देखे हैं, मतलब इतना मतलब ये मतलब नहीं लगा मेरे को, पता नहीं क्या क्या मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो कमियां लग ही रही थी मूवीज़ में, मतलब इतना मतलब थोड़ा डार्क डार्क जैसा लगा है। जो लंका है वो तो गोल्डन कलर का, फुल ऑफ गोल्डन, और वही ब्राइटनेस थोड़ा सा मतलब होता तो मतलब कितना ज़बरदस्त दिन होती ना, पता नहीं भूत के बंगला जैसा अलग सा ही लग रहा था। और जो हमारा मतलब रावण का कैरेक्टर दिए गए हैं सैफ अली खान, उनको भी मतलब पता नहीं मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि मतलब उनको ये कैरेक्टर सूट ही नहीं कर रहे हैं, अलग सा लग रहे हैं। आप सबको कैसा लगा है प्लीज़ आप भी मतलब अपना जो मतलब राय है वो शेयर करना मत भूलिएगा। और बहुत कंट्रोवर्सी भी मतलब चल रही है इस मूवी रिलेटेड, जो मतलब सीता माता है वो मतलब नेपाल की है और भारतीय है, ऐसे करके भी मतलब सुनने को मिला, कंट्रोवर्सी भी हो रहे थे। और हमने तो बुकिंग मतलब 2-3 दिन पहले ही कर दिए थे। सो वही है, मतलब एवरेज में मेरे को मतलब ठीक ही लगा है मूवी, इतना मतलब वाव टाइप का जो मतलब RR मूवी में मतलब मेरे को इतना मज़ा आया था ना, मैं वो लाइफ टाइम में नहीं भूलूँगी, इतना मतलब मेरे को लगा नहीं। वही है, एवरेज में ठीक ही है ये मूवी, और आप सब भी जाइएगा देख लीजिएगा, और आप सबको भी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। इस मूवी में एक और चीज़ भी मतलब मैं बताना चाहूँगी, इसमें थोड़ा सा नेपाल का जो हिस्सा था, जो हमारा जो जानकी मतलब माता है, सीता माता है, वो तो मतलब नेपाल से है ना, तो उधर का साइड का थोड़ा सा मतलब सीन और जो मतलब अयोध्या का है वहाँ का थोड़ा थोड़ा सा मतलब सीनरी वगैरह मतलब थोड़ा सा ऐड करके भी मतलब इस मूवीज़ में मतलब ऐड कर दिए होते तो थोड़ा सा मतलब नेपाली ऑडियंस जो है वो भी मतलब खुश होते। अभी नेपाली ऑडियंस मतलब इस मूवी को लेकर इतना खुश नहीं है जितना मतलब खुश हुए थे KGF और ये RR मूवी में हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी मतलब हम उनको मतलब ऐसे करके वो दिखने को मिला है, एक डायलॉग ऐसे करके दिखने को मिला है जहाँ पर मतलब भारती बेटी ऐसे करके मतलब बोलती है ना, तो थोड़ा सा मतलब दुख लगा मतलब ऐसे करके उसको मतलब थोड़ा सा मतलब नेपाल का कुछ ना कुछ ऐसे करके ऐड कर दिए होते तो और भी नेपाली ऑडियंस भी मतलब खुश होते, बढ़ जाते ऐसे करके, मतलब वो भी खुश होकर मतलब खुशी खुशी मतलब वो देखने चलते। बट अभी कंट्रोवर्सी की वजह से शायद इस मूवी में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा,
और वही है अपने छीकी है। और आप सब भी एक बार ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा प्लीज़ अपना मतलब जो मतलब राय है वो देना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अभी मैं अपना जो ब्लॉग है वो क्लोज़ करती हूँ। प्लीज़ मेरा आज का ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो। ऐसे क्लिक करेंगे तो जो आगे का वीडियोस आएगा आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी। सो इसी के साथ अभी मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।